के ठीक है, बारे एक ही एक ही उसका अपनी हित बात आप उसको करेंगे, छिपा आप ही से हुआ एक है, सवाल भी वो है, अपने हित का एक ही निर्णय आप ही से एक लेगा। सवाल है मेरा, जी एक जी आप ही से एक सवाल है मेरा, जी जी क्योंकि एक चीज में मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, किसी भी शास्त्र पर आपसे बात कर लें, भौतिक शास्त्र की बात है क्योंकि मैं इसी कंट्रोल पे ही टिका हुआ हूं, मैं जानना आज आज 1 घंटे में जान करके ही उठूंगा यहां से, मेरी भी एक अखंड अटल प्रतिज्ञा है। मैं समझता हूं साहब, ये रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने का खेल आप लोग बंद करिए। जनता जिस दिन अपने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएगी ना, उस दिन आप लोगों के परखच्चे उड़ जाएंगे। जब आपका ये जब भेदभाव वाली की शक्तियों राजनीति ने नहीं चलेगी, सुप्रीम देश की कोर्ट जनता का को बराबरी में देखना होगा। अगर आप आपको बराबरी से नहीं देखते हैं, बोलेंगे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप एक एक ओवरलैपिंग बंद कीजिए, ओवरलैपिंग बंद कीजिए, ओके ठीक है, ठीक है, ओवरलैपिंग बंद कीजिए, ओवरलैपिंग बंद कीजिए, ओवरलैपिंग बंद कीजिए, ठीक है, ठीक है, ओवरलैपिंग बंद कीजिए, ठीक है, हो गया सर, एक काम कीजिए, एक मिनट, एक रुक जाइए, बाकी लोग भी यहाँ पर लखनऊ जा सकता हूँ क्या? मैं लखनऊ जा सकता हूँ क्या? मैं लखनऊ जा सकता हूँ क्या? मैं लखनऊ जा सकता हूँ। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, एक मुझे समझाइए, ये कंट्रोल क्या होता है? ये राजनीति में मैंने बहुत कम से कम UPA 1 से मैं सुनता आ रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल, ये UPA 1 से सुनता आ रहा हूँ, ये राजनीति में कंट्रोल क्या होता है, रिमोट कंट्रोल क्या होता है? राहुल गांधी को एकाएक चौथे चरण के बाद ये क्यों लगने लगा है कि SP और BSP का कंट्रोल BJP के पास में है? चौथे चरण के बाद प्रियंका को ये क्यों लगने लगा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महज एक वोट कटवा पार्टी है? देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा राशिद, बड़े जेन्यून क्वेश्चन है और बिना राजनीति मतलब राजनीति से हट के उसके डायनामिक्स को समझने की यहाँ पे जरूरत है। जो आपने कंट्रोल की बात की है ना, ये देश की एक दुर्दशा भी है। अगर हम मान लेते हैं, जैसे पहले से ये बातें आ रही है, रिमोट कंट्रोल वर्ड बड़ा पॉपुलर है अपने देश के लिए, सिस्टम के लिए ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये है, ये होता है और मैं इसको मानता हूँ। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब आप खुले मैदान में, देखिए दो तरीके से जंगें होती हैं, जीती जाती हैं। खुले मैदान में नैतिक तरीके से आप जब हरा नहीं सकते हो तो दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखा जाता है, कुछ ऐसी उनकी कमजोरियों या गलतियों का फायदा उठाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है। यही है रिमोट कंट्रोल। अब कहने का मतलब रिमोट कंट्रोल क्या है? आप नेता हैं, जब आप सत्ता में थे तो आपने गलतियां की। फॉर एग्जाम्पल, तास कॉरिडोर का घपला हुआ, यहां घपला हुआ, मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूं, सारी पार्टियों ने घपले में की। और जब आपकी अपोजिशन आती है तो इन्हीं घपलों का फायदा उठाती है, तभी ये बातें चल रही है ना, CBI तोता है, CBI का लेटर पहुंचा। व्यक्तिगत मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारे आरोप यही पार्टी वाले लगाते हैं कि CBI का लेटर पहुंचा, ये राजनीतिक वो है, ये CBI की निष्पक्ष जांच नहीं है। तो ये रिमोट कंट्रोल के तरीके हैं। जैसे कुछ दिन पहले, अच्छा, मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते थे रिमोट कंट्रोल से उनका मतलब ये था CBI, रिमोट कंट्रोल से उनका मतलब ये था ED, रिमोट कंट्रोल से उनका मतलब ये था इनकम टैक्स। एक और रिमोट कंट्रोल, अच्छा, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने, हाँ, ममता दीदी का रिमोट कंट्रोल देखिए कितना सही था। प्रधानमंत्री ने खुलेआम मंच से बोला, दीदी आपके 44 विधायक हमारे संपर्क में है, तो ये भी तो रिमोट कंट्रोल हो गया ना। कई तरीके के रिमोट होते हैं, और कौन सा रिमोट कब कहाँ यूज करना है। जी, सबसे अच्छा आपको कौन सा रिमोट लगता है? बतौर बीजेपी नेता सबसे बढ़िया वाला, बिल्कुल ऑटोमेशन। मैं बीजेपी नेता नहीं हूँ, नहीं, मैं नेहा जी से पूछ रहा हूँ। अच्छा, नेहा जी से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। जब ऑपोजिशन ऐसे घफलेबाजियां नहीं करेंगे, चाहे वो शारदा चिटफंड हो, चाहे वो 2G 3G 4G ये सब घोटाले हो, बोफोर्स घोटाला, तो ये सब नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता विपक्ष को ये सब बाहर लेके आने की जरूरत है। अगर आप बेईमान हैं तभी तो प्रियंका गांधी, और राहुल गांधी की डिबेट तक ही रखते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो भी बोला हुआ है वहीं तक हम डिबेट को रखते हैं। मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक शगुफा है, इससे अधिक कुछ नहीं है।
और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि कोई किसी का रिमोट कंट्रोल होता है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, राजनीति में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो बचपना एक शगुफा, राजनीतिक शगुफा। एक ही कुछ, अब जहां तक मैं बता दूं इस चुनाव का जो अच्छा, अशोक जी पूरा कर लें, आप पूरा कर लें, अशोक जी पूरा कर लें। इस प्रकार से बन रहा है अशोक जी पूरा कर लें, इस प्रकार से बन रहा है कि एक तरफ राजनीतिक दल है जिनके दो भाग है स्पष्ट रूप से, एक तरफ पक्ष और दूसरी तरफ सारा विपक्ष, दूसरी तरफ जनता है। जनता को चाहिए विश्वसनीय और मजबूत सरकार, पक्ष सत्ता में बना रहना चाहता है और विपक्ष जो है वो एक मजबूर सरकार चाहता है। अब सबके, अब रिमोट किसी के पास नहीं है, मैं बता, जनता जो स्वयं निर्णय करेगी वह तलाश में है एक मजबूत राष्ट्रवादी काम करने वाली विश्वसनीय सरकार। ठीक है, ठीक है, एक एक अपनी बात आप करेंगे, आप ही से एक सवाल भी है, एक आप ही से एक सवाल है मेरा, एक आप ही से एक सवाल है मेरा, क्योंकि एक चीज में मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, किसी भी शास्त्र पर आपसे बात कर लें, भौतिक शास्त्र की बात है क्योंकि मैं इसी कंट्रोल पे ही टिका हुआ हूं, मैं जानना आज एक घंटे में जान करके ही उठूंगा यहां से, मेरी भी एक अखंड अटल प्रतिज्ञा है। ये जो सियासत का रिमोट कंट्रोल होता है इसमें बटन कौन कौन से होते हैं, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, चैनल आगे पीछे करने का बटन, सेटिंग करने का बटन, रंग बदलने का बटन, रंग वक्त पर बदलने का बटन, कौन कौन से बटन होते हैं, थोड़ा समझाइए ना मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ अशोक सिन्हा जी, बड़ा विनम्र मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने अभी बोला कि कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2014 के पहले बीजेपी वाले ये क्यों बोलते रहते थे कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश में जिनका रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में है, यानी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ में है। क्या सही है क्या गलत नहीं मुझे नहीं पता है, ये रिमोट कंट्रोल भी इजाद किया है तो बीजेपी ने और आप लोगों ने किया। सबसे पहले रिमोट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट तो आप ही की पार्टी ने दिया और ये बोला कि यहाँ का रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में है या सोनिया गांधी के हाथ में है। आपके पास इसका जवाब नहीं है, इसको मान लीजिए। आज जो आपने इजाद किया वही आज आपके लिए भस्मासुर बना हुआ है। एक और कहावत भी थी, एक मुझे अच्छे से याद है कि मैडम प्रिसाइज मनमोहन सिंह कॉन्साइज। अब मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे बड़ा अच्छे से याद है, देखिए ये फ्रेज बड़ा चला था उस दौर। मैं सारी पार्टियों को एक ही तराजू में देखिए मैं तौलता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए ना, रिमोट कंट्रोल होना अच्छी चीज है, अगर राजनीति में शुचिता की बात चाहे आरएसएस बीजेपी कांग्रेस करे, तो मैं बोलता हूँ श्रीमान जी एक ऐसा रिमोट कंट्रोल आप लोग डेवलप करिए जिससे पूरे जनता को अच्छे तरीके से आप कंट्रोल करिए, इस देश के सिस्टम को कंट्रोल करिए ताकि देश का विकास हो। आप तो कभी किसी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, सुर बदलने वाला एक बटन होता है। अभी जैसे आप देखिए मायावती जी पहले बीजेपी के खिलाफ थी तो पता नहीं कौन सा एक बटन था, किसके हाथ में रिमोट कंट्रोल था, सुर ही बदल गए। ये जो सुर बदलने वाला है ना, ये बड़ा जबरदस्त बटन है, सबसे पावरफुल बटन यही है। कभी कोई किसी के अगेंस्ट में होता है, पता नहीं कहां से कौन रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, इतना जबरदस्त कि दो दिन के बाद उसका खंडन आ जाता है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब तो ये था। अब रिमोट कंट्रोल का एक और उदाहरण देखिए, आजम खान ने कुछ और बोला, रिमोट कंट्रोल का बटन दबा, सिस्टम के रिमोट कंट्रोल का बटन दबा, यानी देशवासियों ने जब अपना रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया ना तो सफाई देने लगे, नहीं नहीं जी इसका मतलब तो ये है वो है ऐसे है। मैं समझता हूं साहब ये रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने का खेल आप लोग बंद करिए। जनता जिस दिन अपने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाएगी ना, उस दिन आप लोगों के परखच्चे उड़ जाएंगे। रोहित अग्रवाल जी के पास अब तक आज से मत खेलिए, जनता से मत खेलिए। सही तारीख है ना, एक देखिए मायावती जी को बोलिए एक ट्वीट करें, आज रात ही एक ट्वीट करें। आदरणीय मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि ये बहन कुमारी मायावती जी का एक बड़ा दिल है जो उन्होंने देश के हित में इन कांग्रेस के लोगों को दो सीटों का आवेदन दिया है। अरे बहुत बड़ा फोटो लगा था धनवीर जी, आज उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी, धनवीर जी बहुत बड़ा फोटो लगा था प्रियंका गांधी का, जाने की जिम्मेदारी है और कांग्रेस को अपने मूल क्षेत्र में जाना पड़ता है। धनवीर जी बहुत बड़ा फोटो लगा था प्रियंका कांग्रेस ने, आपके पास दिया रहा हूँ धनवीर जी, रुक जाइए, एक ही बोलेंगे। लेकिन रफत फातिमा एक बात ये बता दीजिए, क्या वाकई में कांग्रेस दया की पात्र है दो सीटों के लिए? मायावती की दया की पात्र है? धनवीर चौधरी यहाँ बैठे हुए ये बोल रहे हैं दो सीटों के लिए दया की पात्र? रायबरेली और अमेठी अगर जीतना है तो मायावती की दया की पात्र? देखिए धर्मवीर जी बौखलाए हुए लग रहे हैं जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे भाजपा भगवान राम को अपना कॉपीराइट समझता है, ऐसे अंबेडकर को इन लोग ने अपना कॉपीराइट समझ रखा है।
यानी सारी जनता जो है कोई अंबेडकर जी को नहीं मानती, भगवान राम को नहीं मानती। आज जिस तरीके से अंबेडकर को अपना बनाने वाले, जिस तरीके से चंद्रशेखर ये दलित प्रेमी संस्कार सभी सभी सम्मान करते हैं, आप अकेले नहीं है धर्मवीर जी, आप अकेले नहीं है। और मेरी मेरी बात में बीच में मत बोलिए, हम आपकी बात में नहीं बोले। पहली बात, आप चुप रहिए तब हम बोलेंगे। सम्मान आप दीजिए, जो सम्मान नहीं देते दलितों के नाम पे, दलितों का वोट मांगते लेकिन दलितों को सम्मान क्या दे रहे हैं? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए प्लीज, आप चुप रहिए तब हम बोलेंगे। जब आपका ये भेदभाव वाली राजनीति नहीं चलेगी, देश की जनता को बराबरी में देखना होगा। अगर आप बराबरी से नहीं देखते बोलेंगे, यानी कि आप एक 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 ठीक है पानी पीजिए, पानी पानी कौन कौन है, पानी, हाँ पानी पिए, पानी पिए आप सभी लोग, पानी पिए आप सभी लोग, पानी पिए। नेहा आप बोलेंगी लेकिन उनसे पहले एक बहुत देर से, हाँ बहुत देर से डिबेट में आना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके धर्मवीर चौधरी जी, ठीक है रफत फातिमा, ठीक है रफत जी, रफत जी, रफत जी, रफत जी प्लीज, रफत जी अब होगा न्याय, रुक जाइए। हाँ नेहा बोलेंगी, एक बार एक को सुन ले उसके बाद आप बोलिएगा। एक देखिए, एक बड़ा हार्ट टचिंग था, राजनीति क्या है, आप जाति पाति और इनसे हटके नेताओं को छोड़ के मैं जनता को एड्रेस कर रहा हूँ। हमारे धर्मवीर भाई साहब अभी बोल रहे थे, पहले फेज में तो उन्होंने कांग्रेस को खूब लताड़ा, कांग्रेस दलितों की विरोधी है, अंबेडकर साहब को ये नहीं बनने दिया, वो नहीं बनने दिया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि कुछ ऐसी शक्तियां, जैसे इन्होंने बीजेपी के लिए बोला कि वो आ गई जो है, उनसे निपटने के लिए हमने कांग्रेस से समझौता किया। अरे साहब, आप खुद बोल रहे हो ना कि जिस पार्टी ने 70 साल दलितों की ऐसी की तैसी कर दी, कैसा आपका सिद्धांत और न्याय है कि जरा सा आपको डर लगा आप जाके उसी पार्टी की गोद में बैठ गए? आप बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने दलितों का ये किया है, वो किया है, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। आप सिद्धांतों की राजनीति करते हैं कि आप दलितों को अपना वोट बैंक समझते हैं बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे। दलित भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे नेताओं से सावधान रहे जो दलितों का यूज करके केवल मंत्री और मिनिस्टर बनते हैं। बीजेपी के लोग, आप सिद्धांत की राजनीति करिए, आप दलितों के विकास की राजनीति करिए, न कि उनका वोट लेके पार्टी बना के अपने विकास की। बाकी लोग भी यहाँ पे लखनऊ जा सकता हूँ क्या? मैं लखनऊ जा सकता हूँ क्या? मैं लखनऊ जा सकता हूँ क्या? मैं लखनऊ जा सकता हूँ? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। इतिहास में जाने लगते हैं लोग, वहां पर ब्रेक ले लेते हैं, जहां सब लोग इतिहास में जाने लगते हैं। We'll be right back.